I called a beautiful say, it would be 20. I have to unmute you. Wait. नेहा आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। अस्सलाम वालेकुम। सो आपने जैसे कल कहा कि मुझे आज जुमे के बारे में बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट। और जुमे के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस्लाम में जुमे को बहुत ही फजीलत हासिल है। मीन्स इट्स अ होली डे फॉर इन 7 days इन इस्लाम, इट्स अ होली डे। सो हमारे जुमे को इसलिए, जुमे का जो मतलब है अरबिक में, इट्स ये लिया गया है अरबिक वर्ड मजमुआ। मजमुआ मीन्स जमात, कॉन्ग्रीगेशन मीन्स गैदरिंग, गैदरिंग फॉर प्रेयर्स। कलेक्टिवली जो हम प्रेयर करते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, तो वो जुम्मा जो वर्ड आया है वो आया है मजमुआ से, मतलब मजमुआ का मतलब जमात, किसी चीज का जमा होना। तो गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर प्रेयर, सो वहां से ये वर्ड जुमा आया है। और जुमे को इसलिए भी फजीलत हासिल है कि उस दिन जो प्रॉफिट मोहम्मद और हमारी होली बुक कुरान में है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप वर्ल्डली लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फैमिली को संभाल रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, उन सब में से आप टाइम निकाल कर 1 घंटा या 2 घंटा आप जुम्मे की नमाज के लिए आए, कलेक्टिवली सब लोग प्रेयर करें, और वहां बैठकर सब लोग जो भी वो जो इमाम खुतबा देते हैं उसमें, जो उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में, जो प्रेजेंट टाइम में वहां जो भी प्रॉब्लम चल रहे होते हैं कंट्री वाइज या जो सोसाइटी होती है, जो कम्युनिटी होती है, उनको वो डिस्कस करते हैं और उनका सोल्यूशन बताते हैं। सो इसलिए जुम्मे की जो प्रेयर है उसको बहुत ही फजीलत हासिल है, बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है। और इस्लाम में ये भी बिलीव है हमारा कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जो ही वाज द फर्स्ट मैन, ही वाज क्रिएटेड ऑन द डे ऑफ फ्राइडे। और रमदान का जो है, रमदान इज अ होली मंथ इन आवर इस्लामिक कैलेंडर, और इट्स अ 9th month। सो रमदान में जो हम फास्टिंग वगैरह जो करते हैं वो ग्राउंडेड होने के लिए, कि हर गरीब अमीर उस सबको वो एक ग्राउंडेड होने के लिए, कि आप वो भूख जब आप 14 घंटे 12 घंटे एज पर योर कंट्री टाइम आप फास्ट करते हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, तो आपका जो ईगो है, जो आपका जो आप में एक लस्ट है, जो भी जिस प्रकार की भी जो भी आपके अंदर इंसान के अंदर जो होते हैं, उन सबको गुनाहों को खत्म कर, जैसे कर्मों को फेरने के लिए, गुनाहों को खत्म करने के लिए रमदान मंथ दिया गया है कि आप इसमें प्रेयर करो, ग्राउंडेड हो, आपको पता चले कि आप, आपको ध्यान रहे कि आपका भूख, जब आप भूख में होते हो तो कैसे तकलीफ होती है। तो कभी आप आपके नेबर में या आप किसी नीडी को देखें, कोई भूखा है तो आप उसको खाना खिलाएं, वो आपको फील रहेगा। सो इसको तकवा भी कहते हैं, मतलब तकवा आपका। और जिस प्रकार, एक बात बताइए, मैं बोलने जाऊंगी तो गुरु जी बहुत ही डिटेल में, नहीं नहीं, एक बात बताइए, ये आपके जैसे हमारे यहाँ 4 धाम होते हैं और आपके हज होता है, ये बात क्या सही है कि किसी इंसान का हज जाना जब तक सफल नहीं होता, जब तक 4 हाथ इधर 4 मिदा इधर, अगर कोई व्यक्ति भूखा रहता है, अगर वो हज पे जाए और वो अपने घर को छोड़कर जाता है हज करने, और ये 4 हाथ इधर 4 माइल इधर 4 हज में कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो भी उसको हज नहीं लगेगा, इसके बारे में आप क्या? ये बिल्कुल ठीक है, खुदा ने ऐसा, अल्लाह ने कोई ऐसा आपको नहीं कहा है कि आप बाकी के फराइज पूरे ना करें और आप मेरे घर पे आए और पैसा खर्च करके, और आपके पड़ोसी आपका कोई भूखा है, कोई गरीब बीमार है आपके सराउंडिंग में या आपके फैमिली मेंबर में, और आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हो और आप हज करने आ रहे हो इतना पैसा लगाकर, तो उस हज की कोई वैल्यू नहीं है। खुदा के नजदीक, अल्लाह के नजदीक
सबसे जो बेसिक हमारा इस्लाम का जो मैसेज है वो यही है कि हेल्प अदर्स, फर्स्ट यू हेल्प अदर्स. सो ऐसा हज कबूल ही नहीं होता है, वो शो ऑफ हो जाता है, या आपका स्टेटस के लिए आप जा रहे हो, आपके पड़ोस में कोई भूखा है, कोई बच्चा बीमार है, किसी की बेटी की शादी नहीं हुई है, वो गरीब है, वो भी कोई भी जरूरतमंद हो, पहले आप उसकी मदद करो, खुदा तक आपका खुद ही कबूल हो जाएगा. When you come on the Hajj पे आप जब आओ, जब मेरे बनाए बंदे सब सुखी हो, very good, हम आपसे. और हज पे जाने से पहले ये कि कोई आपसे दुखी ना हो, आप सबसे माफी मांगो, जाने या अनजाने में आपने किसी को दुख पहुंचाया है, जब तक वो इंसान आपको माफ नहीं करेगा आपका हज कबूल नहीं होगा. तो ये तो बेसिक हज की जो है कंडीशन है, आप वो जब तक वो पूरा नहीं करता, लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, जाते हैं, तो वो तो इंटेंशन, वो कहते हैं हम इस्लाम हमारे इस्लाम में है कि नियतों का दारो अमलों का दारोमदार नियत पर है, कि आप जो भी प्रैक्टिकली आप जो कर रहे हो आपके इंटेंशन इम्पोर्टेंट है, कि आपका अंदर से इंटेंशन क्या है. तो अमलों का दारोमदार नियत पे है, मतलब जो भी आप कुछ काम कर रहे हो आपकी नियत क्या है उस पर डिपेंड करता है, आपको उसी प्रकार से सवाब मिलेगा, मतलब उसका फल मिलेगा. रोशन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और क्योंकि आप एक इस्लामिक क्राफ्ट की एक परिचायिका है रोशन, तो हमारा निवेदन है आपसे कि हमारी प्रार्थना कल की आप जो नमाज पढ़ोगे, हम सब की प्रार्थना पहुंचाना. हम लोगों ने आपने शब्द दिए, हम समस्त लोग डिवाइन स्टोरी परिवार के जितने भी लोग थे वो जो नहीं आ पाए उस सबकी प्रार्थना की. मैंने आज ही फ्राइडे, और इसमें तो रमजान में तो बहुत ही फजीलत है कि आप इंस्टेंटली आपका स्पिरिचुअली आपको रिवॉर्ड मिलता है, प्रेयर्स का, रोजे का, जुम्मे की नमाज का, कोई भी किसी भी टाइम में इन 30 डेज में आप किसी भी टाइम में सिर्फ आंख बंद करके खुदा के आगे हाथ जोड़कर अगर आप कुछ मांगे तो वो जरूर पूरा होता है, ये हमारा बिलीव है. वैसे तो खुदा कहते हैं शहरक से भी ज्यादा करीब है, आपके मन में है, आप उसको पुकारो आपकी सुनता है, बट कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें जिनकी जो टाइम ऐसा होता है जहाँ हमारी दुआएं जल्दी कबूल होती है, हमें मौका दिया जाता है कि हम अपने गुनाहों को, अपने जो हमारे बुरे कर्म हैं उनकी माफी मांगकर अपने अच्छे कर्मों के लिए प्रेयर करें. तो ये वो मंथ है, तो इसमें वैसे भी मैं तो सबके लिए ही हीलिंग और प्रेयर में हर वक्त दुआ करती हूँ. मॉर्निंग मेडिटेशन आज फ्राइडे था, उसमें भी मैंने आप सबके लिए दुआ की आज फ्राइडे प्रेयर के बाद भी, और अभी भी मेरे दिल से सबके लिए प्रेयर है कि जो भी इस तकलीफ में इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, सब हमारे लिए भाई हैं, सब हमारे एक ही. आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी. मैं सबके लिए कलेक्टिवली प्रेयर करती हूँ कि सबको इस तकलीफ से निजात मिले, सबको सुख शांति मिले, सबको राहत हो, और आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों. आमीन. थैंक यू नेहा, थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नौशी. आई नॉर्मली आई स्पीक विद यू बट योर नेम इज नौशी. शुक्रिया आपको बहुत बहुत अपने बारे में बताने का, जुम्मे का क्या होता है, प्रार्थना हमारी माँ तक पहुंचाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए. जी जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू. तो ये देखिए, आप हमने आज जाना, मैंने जिस प्रकार आपको एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल ध्यान में रखना कि आज हमने एक जो इस्लामिक एयरलाइंस चलती है बड़ी, उसके उनको देखा, वहां के बारे में जाना, उसपे क्या क्या रहता है. और हमारी एक मंशा जो लेकर हमने शुरुआत की थी यात्रा 25 तारीख से, कि कोरोना वायरस रूपी जो महामारी इस देश इस विश्व में आई है, इससे जो ग्रस्त है पेशेंट इनको दूर करें. तो जिस प्रकार हमारा बच्चा कोई बीमार होता है और हम दर दर भटकते हैं उसके इलाज के लिए, उसी प्रकार आज विश्व के कोरोना ग्रस्त लोगों के दर्द, और विशेषकर मेरे को दर्द वो ज्यादा लगता है कि वो परिवार का क्या होगा. पूरा परिवार रात को, मैंने वीडियो देखा, मेरी आंखों में आंसू, रात को अज्ञात भयमस होता है, सुबह अज्ञात भय में उठता है कि हम में से किसको हो जाएगा. तो मेरा इंटेंशन वो था, और हमारी प्रार्थना नौशीन जी पहुंचाएंगे, दुबई से हैं आप, दुबई से पहुंचाएंगे, कहीं भी पहुंचे, श्वास तो मन कहां ही पहुंचा. पुनः एक बार हल्की सी छोटी सी ताली बजा दें, एक बार पुनः बजा जोरदार तालियां. थैंक यू नौशीन. नाउ वी डू आवर प्रेयर. हमारी प्रार्थना, प्रेयर, दुआ, जिसको हमने अरदास, ये सभी कल कितना खूबसूरत
क्षमता जब सिख दरबार में हम जाकर प्रार्थना करके आया, तो मतलब प्रार्थना करके आए हम, हरलीन जी एंड जोरावर जी ने सुंदर शब्दों में बयां किया, उसी प्रकार आज नौशीन ने बयां किया कि हर इंसान एक है, उच्चंद कोई भी धर्म हो, उच्चंद प्रतिशत। मेरा मानना है पूरी दुनिया एक असंगठित दुर्जन, असंगठित सज्जन और संगठित दुर्जनों की है। असंगठित सज्जन हम 90-95% है और संगठित दुर्जन मात्र 5-10% है, जो कि पूरे धर्मों पर राज करते हैं और एक आंखों पे पट्टी बंधवा देते हैं। ये सब मेरा मानना व्यक्तिगत राय, किसी धर्म विशेष के लिए बोल नहीं बोल रहा हूं मैं। तो ये असंगठित सज्जन हमें एक अवेयरनेस लानी है कि भाई सबका खून एक है, सबका एक है, किसी को किसी की एयरलाइंस पे बिठाने की जबरन मत करो कि मैं चाहूं कि मेरे को इंडिगो अच्छी लगती है तो मैं आपको फोर्स करूं कि आप इंडिगो में बैठो। गलत, सब एयरलाइंस अपनी अपनी जगह सही है, कुछ अच्छा कुछ बुरा हर धर्म में है, तो हम उसको तो भूल जाए क्योंकि वो भी उसी के द्वारा बनाया गया है। अगर हम किसी को एक शायद एक मेरे को पार्टिसिपेंट का किसी का मैसेज आया तो उनको जवाब दिया मैंने कि भैया वी आर नॉट सपोज टू बिकम गॉड, हम एक उस अल्लाह ताला और ईश्वर और भगवान के और गूगल साहब के बंदे हैं, वो बंदा ही बना रहो। जो सामने परिस्थिति है ये दानव और राक्षसों का एक जगत है, हर चीज से बचते चलो और अपने आप से उपस्थिति से एक सकारात्मक ऊर्जा देते जाओ और प्रार्थना मुक्त करते जाओ। आपकी तकलीफ आपकी परेशानी मेरा पूरा विश्वास है उठने के पहले खत्म हो, वो कोई भी हो, अल्लाह हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, जीजस हो, मंजर हो, ये सब लोग क्या कहते हैं एक आवाज में, ये सब लोग एक ही चीज कहते हैं आपसे, भले वो नौशीन हो, जोरावर जी हो या चाको जी हो, कोई भी सेम हो, दिस इज ऑल वन कि यू डू व्हाट यू वांट बट इट हैपन व्हाट आई वांट, यू डू व्हाट यू वांट बट इट हैपन व्हाट आई वांट, यू डू व्हाट आई वांट आई प्रॉमिस यू then it happen what you want, what he want, क्या चाहता है ईश्वर। अरे तुम ईश्वर को क्या जानो, धरती में 10 गेहूं के दाने डालते हो एक बोरी गेहूं दे देता है। आप अच्छे काम में नेकी में अपना पैसा इन्वेस्ट तो करके देखो, अपना पैसा क्या समय इन्वेस्ट तो करके देखो और फिर देखो। आपकी चिंता छोड़ो, आपकी परेशानियां समस्या तनाव तो है, एक समय तक के हैं, जब आपका शरीर एक समय तक का है तो परेशानी भी एक समय तक। ठीक है, सो कीप द बोथ हैंड लाइक दिस, हाथों के ऊपर, अलाउ योर बॉडी टू गो टॉप। Release your both hands.